बोलो। अरे नहीं आ सकता हूँ मैं। अरे बोला ना नहीं आ सकता हूँ मैं गाँव। देखो मेरा दिमाग खराब मत करो। पैसे? अरे यहाँ महीना खत्म नहीं होता उससे पहले पैसे खत्म हो जाते हैं। ठीक है मैं इंतजाम करता हूँ, परसों भिजवा देता हूँ। देखो मेरा दिमाग खराब मत करो, फोन रखो ठीक है? अब अच्छा तुम फोन रखो। पैसे क्या झाड़ पे उगते हैं? राजू इधर आ। राजू बस सुन, मेरा वाला क्वार्टर और चटनी पापड़ लेके आ, जा फटाफट। अब देख क्या रहा, जल्दी जा लेके आना। जगी तूने लास्ट टाइम बोला था कि तू अगली बार आएगा तो अपना पिछला सारा हिसाब चुकता कर देगा। अरे यार देता हूं ना, चल दारू लेके। सॉरी मैनेजर ने मना किया है कि जब तक तू पिछला हिसाब चुकता नहीं करता तेरे को दारू और खाना नहीं देने का। क्या मैनेजर की इतनी हिम्मत? पिछले 3 साल से मैं यहाँ का कस्टमर हूँ और 3 महीने पहले मेरे को मना कर दिया। नया मैनेजर बहुत कड़क है, सेठ का साला है वो, उसने सबका उधारी बंद कर रखा है। एक काम कर, तू मैनेजर को बुला के लेके जा। हाँ बोल बोल। साहब मैं ये बोल रहा था कि मैं यहाँ का 3 साल पुराना कस्टमर हूँ, मेरा खाता चलता है यहाँ पे साहब। और ये राजू बोलता है कि सही बोलता है, आज से हमने सारी उधारी बंद कर दी। जास्ती दारू मांगता है तो पहले का पैसा देने का, वरना दारू नहीं मिलेगा। कहना साहब, मेरे को फूल के बारे में पता नहीं था साहब, मेरा ना पॉकेट चोरी हो गया साहब। मैं कल देता हूँ ना पैसा, कल पक्का देता हूँ मैं। सब मैं अभी ना बहुत 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 परेशान हूँ साहब। पैसा है तो पी वरना जा यहाँ से। एक मिनट साहब, एक मिनट। सब ये रख लो, एकदम असली है साहब। आप शक की निगाह से क्या देख रहे हैं? सच में असली में? वो तो अभी पता चल जाएगा। राजू। जी सर। वो जो अपना हेमंत सेठ है ना? जी सर। उसके पास ले जा और चेक करा कर ले आ। जी सर। जा। हेमंत सर, इसको बताओ कि असली सोना है या नकली। बोला था ना एकदम असली है। सब आपने मुझ जैसे शरीफ आदमी पर शक किया, सबके सामने मेरा इंसल्ट किया साहब। राजू। जी सर। ये जितना दारू मांगता है दे दो इसे। जी सर। बैठ जा लाता हूँ।
लड़की एकदम कड़का है और मैं उसे 3 साल से जानता हूँ और उसके पास ये बाली के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, ये उसको हो ही नहीं सकते। मुझे मालूम है, लेकिन इन सबसे हमें क्या करना है? मगर सर, अगर ये बाली उसने चोरी करके लाया हो या फिर किसी का मर्डर करके लाया हो तो ये बात सीआईडी तक पहुंच जाएगी और फिर सीआईडी हमें छोड़ेगी नहीं, हमारी हालत खराब कर देगी। सर आप सीआईडी को फोन करो, मैं जगह को संभालता हूँ। अरे जगह कहाँ गया? साहब जगह चला गया। क्या? हाँ चला गया। राजू तू बाहर जाके देख। यस। हेलो सीआईडी। तुम्हारा कहना है कि जग्गी की इतनी हैसियत नहीं है कि वो इतनी महंगी बाली खरीद सके? हाँ हाँ सर, कैनरी कैब्स में एक मामूली सा गाइड है वो, मेरे ख्याल से उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ सकते हैं। अच्छा आप इस जग्गी के बारे में इतना जानते कैसे? 3 साल से जानता हूँ सर, हर रोज रात में यहाँ दारू पीने आता है और पिछले 1 हफ्ते से उधार में दारू पी रहा था साहब, फिर अचानक उसने इतनी महंगी सोने की बाली मुझे दे दी। अब साहब डाउट तो होगा ना सर, अगर इस जग्गी को दारू पीने की बुरी लत है तो दारू पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर उसने किसी लड़की की बाली चुराई है तो ये सीधा सीधा पुलिस केस बनता है, इसमें सीआईडी क्या कर सकती है? पंकज हो सकता है बाली उसने उस लड़की को मार के हासिल की हो। निखिल ठीक कह रहे हो तुम, इस जग्गी की पूरी कुंडली निकालनी होगी। जग्गी गायब है सर, 2 दिन से घर पे भी नहीं आया। सर उसका पूरा घर खाली था, सिर्फ ये पासपोर्ट साइज फोटो मिली है। घर पे ना सही, देखते हैं काम पे आया है क्या। अरे सुनो। हाँ साहब ये जग्गी गाइडी है। तुमने से कल देखा था? दोपहर को 12 बजे देखा था, कुछ कॉलेज स्टूडेंट को वो ऊपर वाली गुफा दिखाने के लिए लेके गया था। और आखिरी बार कब देखा था उसे? यही करीब 12:40 के आसपास। 12:40? अरे जग्गी। हाँ हो गया तेरा कब? अरे वो सेठ लोग को टाइम पास करने के लिए बोला है। अभी कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा हूँ। ऊपर? ऊपर क्या है? कुछ काम है। अरे ऊपर क्या है? अरे बोला ना काम है। फिर कहाँ गया वो? वहाँ ऊपर और ऊपर, पता नहीं वहाँ क्यों जा रहा था। अच्छा ग्रुप में कुछ लड़कियाँ भी थी क्या? हाँ 3-4 लड़कियाँ थी। ओके थैंक यू वेरी मच, चलो चल के देखते हैं, देखते हैं ये जग्गी ऊपर कहाँ गया था। चारों तरफ फैल जा, देखते हैं। पर देखो उधर। पंकज, पूर्वी, निखिल, पूर्वी
हाँ सर, यहाँ पत्ते पे खून मिला है, जरूर यहाँ आसपास कुछ हुआ है। Oh my God, वो देखा? देखो जा। सर, ये तो जगी नहीं है। सर, अगर ये जगी नहीं है तो फिर कौन हो सकता है? चेक करो, देखो कोई आईडी वगैरह है क्या इसके पास? जेब तो खाली है, कोई भी आईडी प्रूफ नहीं है सर। लगता है इसको गलत दबा के मारा गया है, गले पे उंगलियों के निशान है। इसका मतलब ये पत्ते पे जो खून है ये इसका नहीं है, क्योंकि इसकी बॉडी पे कहीं भी घाव और खरोच का निशान तो दिख नहीं रहा है। और इसकी जेब में पैसे वैसे भी नहीं है, मतलब सर ये खून चोरी के लिए हुआ है? हो सकता है, लेकिन ये आदमी यहाँ करने क्या आया था? सर, सर ये कपड़ा, इस पर भी खून लगा हुआ। डीजल, डीजल और ग्रीस की स्मेल है, शायद कोई मैकेनिक। लेकिन बॉडी का फोरेंसिक लैब लेके जाओ। सर, मेरी लकी कि मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। अब दोनों मिलकर के मेहनत के साथ अच्छा काम करते हैं। बिल्कुल सर, वैसे आप हमेशा से मेरे आदर्श रहे हैं। बस, ज्यादा तारीफ सुनने की आदत नहीं है मेरी। वैसे एक बात बताऊं मैं? जी सर। डॉक्टर तारिका भी बहुत इंटेलिजेंट डॉक्टर है और बहुत अच्छी इंसान भी है। जी हाँ सर, उनसे भी बहुत कुछ नई चीजें सीखने को मिल रही है मुझे। वैसे मैं उन्हें ज्यादा जानता नहीं हूँ। जानने की कोशिश करो यार। जी सर। वैभव, तुम दोनों को एक साथ थोड़ा ज्यादा वक्त गुजारना चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं सर। अरे यार, साथ में वक्त गुजारो, अपने आप पता लग जाएगा। ओ, ये बात है सब हवा में बात है। मेरी आदत नहीं गई यार, लगता है आज भी खाली हाथ चले जाना पड़ेगा। आज से पहले कभी खाली हाथ गए हो क्या? इतनी बार कब आओ यार। अच्छा बता दे, चल। देखो बस, इस सूखे पत्ते पर ही जो ब्लड का सैंपल है, इसका डीएनए इस कपड़े पर जो खून है इसके डीएनए से मैच करता है। अच्छा। हाँ, और ये डीएनए है एक लड़की का जिसकी उम्र है 20 से 22 साल। क्या कहा तूने? लड़की का? वो भी 20 22 साल की लड़की? हाँ बस, 20 22 साल की लड़की। लड़की? लेकिन एक सवाल है सर, जिस कपड़े पे उस लड़की का खून मिला है उसी कपड़े पे ग्रीस और डीजल भी मिला है, इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका एक ही मतलब हो सकता है वैभव, कि जिस आदमी ने इस लड़की पर हमला किया वो या तो कोई मोटर मैकेनिक है या फिर ड्राइवर या क्लीनर। लेकिन सर, जग्गी के पास तो उस लड़की की बाली थी, जग्गी का डीजल और ग्रीस से क्या लेना देना? ना तो वो ड्राइवर था और ना ही क्लीनर। जग्गी का इस बातों से कुछ लेना देना नहीं, ये तो है पता, पर सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि वो कपड़े का टुकड़ा जिस पर खून के धब्बे हैं वो किसका है। नहीं सर, ये चेहरा देख के मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने इसे कल देखा था या नहीं। सर, पता नहीं क्या हो रहा है केनेरी केव में। क्या मतलब? सर, कल वीएन कॉलेज से कुछ स्टूडेंट आए थे पिकनिक मनाने के लिए और उनके साथ वाली एक लड़की गुम हो गई सर। अच्छा, कैसे हुआ ये सर? सर पता नहीं कैसे, लेकिन कुछ देर बाद उसकी बस का क्लीनर भी लापता हो गया। क्लीनर? हाँ सर। वो
कपड़ा जिसमें डीजल लगा था और ग्रीस, लगता जो लाश मिली थी ऊपर वो क्लीनर की थी। सर ये तो हद हो गई, एक ही कॉलेज की स्टूडेंट और क्लीनर दोनों साथ में गायब हो गए। इसका जवाब तो पंकज अब वीएन कॉलेज में ही मिलेगा। हाँ साहब, ये केशव ही है, और परसों मेरे पास काम मांगने के लिए आया था और मैंने इसे क्लीनर की नौकरी भी दी। परसों नौकरी पर रखा और कल उसका खून भी हो गया। अच्छा ये केशव कहाँ रहता था, इसकी फैमिली में कौन कौन थे, कुछ पता है आपको? नहीं साहब, इस बारे में मैंने कोई पूछताछ नहीं की। क्यों क्यों पूछताछ नहीं की, बिना पूछताछ किए उसे नौकरी पर रख लिया, इतनी लापरवाही? सॉरी साहब, वो क्या दो दिन बाद कॉलेज का ट्रिप जाने वाला था और मेरा पुराना क्लीनर जो है वो गांव चला गया, तो मजबूरी मुझे केशव को नौकरी पर रखना पड़ा। अच्छा सुना है तुम्हारे कॉलेज में से एक लड़की गायब हुई है? हाँ सर, सुरभि हमारी फ्रेंड है, वो भी कल से गायब हुई है। कैसे गायब हुई वो? मैम वो हमारे साथ कैनरी केव घूमने आई थी, लेकिन वहीं से गायब हो गई। हमने पुलिस में कंप्लेन भी लिखवाई पर उसका कुछ पता नहीं चला। अच्छा आखिरी बार सुरभि को कब देखा था? सर जब हम कैनरी केव में थे तो सुरभि और ऋचा को चाय पीनी थी। मैडम आप लोग यहाँ पर टाइम पास करिए, मैं 10 मिनट में आता हूँ, थोड़ा सा काम है। यार आधा घंटा हो गया है तो सुरभि और ऋचा अभी तक नहीं आए, पता नहीं कहाँ रह गए हैं। यार मेरा तो नेटवर्क भी नहीं आ रहा। हाँ मेरा भी नेटवर्क नहीं आ रहा, तो अब क्या करें? अरे यार बच्चे थोड़ी ना है, आ जाएंगे दोनों। आई थिंक हमें नीचे चल के देखना चाहिए। ओके अरे यार 10 मिनट के बाद चलते हैं ना, बहुत थक गया हूँ यार। प्रिया तुम ठीक कह रही हो, हम नीचे जाते हैं, तुम लोग यहीं रुको, हम तीनों नीचे जाके आते हैं। हाँ यार लेट्स गो। या मतलब तुम दोनों साथ में थे ना? हाँ हम लोग साथ में ही थे, लेकिन मेरा कॉल आया और मैं कहीं दूर चली गई थी और फिर देखा वो नहीं थी। अरे यही कहीं आसपास गई होगी, मैंने आसपास सही जगह देख लिया लेकिन वो नहीं है। इसे अचानक कहाँ गायब हो गई सुरभि? मुझे लगता है हमें उसे ढूंढना चाहिए। हाँ लेट्स गो। सुरभि ऋचा के साथ चाय पीने गई थी। ऋचा के साथ? आप में से ऋचा कौन है? सर वो यहाँ नहीं है। यहाँ पे नहीं है मतलब कहाँ है वो? सर ऋचा अपने कमरे में भी नहीं है और हमने पूरा कैंपस देख लिया, कहीं नहीं है वो। तो फिर गई कहाँ? तुम्हारे साथ थी ना वो? पता नहीं सर कहाँ है वो, सुबह से गायब है। अच्छा वो आप लोगों के साथ कैनरी केव से वापस तो आई थी ना? जी मैम, हम लोग साथ में गए थे पुलिस स्टेशन कंप्लेन लिखाने। है ना बड़ी अजीब बात, केशव का कैनरी केव में खून होता है, सुरभि कैनरी केव से गायब होती है और ऋचा हॉस्टल में से गायब। ये कुछ ना कुछ तो और ही चक्कर है। श्रेया निखिल काम करो, हॉस्टल में जाके सुरभि और ऋचा दोनों के कमरे अच्छी तरह से चेक करो, अच्छी तरह से, कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। मैम आप हमारे साथ चलिए प्लीज। और तुम सब लोग जितने भी कैनरी केव्स गए थे सब हमारे साथ वापस चलेंगे कैनरी केव्स।
जब ये सब हुआ, मेरा मतलब है जब सुरभि गायब हुई, आपको पूरा यकीन है कि तुम सब लोग यहीं पर थे? हाँ सर। एक मिनट, जब सुरभि गायब हुई थी तब हम यहाँ नहीं थे सर, ऊपर की गुफाओं में थे। तुमने कहा कि सुरभि तभी तो चाय के स्टॉल पर थी? हाँ सर, हम यहीं से सब ऊपर की ओर गए थे। हाँ सर। और सुरभि और रिचा? सर, सुरभि और वो दोनों चाय पीने नीचे गए थे। और तुम लोग वहाँ ऊपर गुफाओं में पहुँच गए, लेकिन रिचा और सुरभि नहीं पहुँचे? नहीं सर, इसीलिए हम लोग सर वापस स्टॉल पर गए थे देखने के लिए। चाय के स्टॉल पे मतलब आखिरी बार सुरभि दिखाई पड़ी थी तो वो जगह है, वो चाय का स्टॉल। ये है वो स्टोन यहाँ पर सुरभि और रिचा चाय पीने आई थी। हाँ सर, और हम यही रास्ते से ऊपर की ओर गए थे। इस रास्ते से? रेडी, उस स्टॉल वाले को लेकर आओ। अच्छा, ये जो दूसरा रास्ता है ये किधर जाता है? पता नहीं सर। स्टॉल वाला, अरे एक बात बताओ। जी सर। ये जो रास्ता है वो किस तरफ जाता है? सर, ये रास्ता जंगल से होते हुए ऊपर की तरफ जाता है। ऊपर की गुफाओं की तरफ? हाँ सर। सर मतलब ऊपर जाने के दो रास्ते हैं? अच्छा, परसों तुमने इस लड़की को देखा था? हाँ सर, ये लड़की परसों आई तो थी अपने एक फ्रेंड के साथ स्टॉल पर चाय पीने के लिए। अच्छा, तो क्या ये लड़की किस तरफ गई थी, कुछ याद है तुम्हें, बता सकते हो? नहीं सर, काउंटर पर भीड़ बहुत ज्यादा थी, मैं देख ही नहीं पाया सर किस तरफ चली गई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ। दो रास्ते, एक रास्ता ये सीधा गोपाओं की तरफ जाता है और ये रास्ता भी जंगल से होकर बाकी गुफाओं तक जाता है। एक बात बताओ, तुम लोग यहाँ कनेरी केव्स कब पहुंचे? सर करीबन 12 बजे सर। 12 बजे सर, और सुरभि और रिचा यहाँ चाय पीने रुक गए थे और हम सब जग्गी गाइड के साथ ऊपर की ओर चले गए थे। कितना वक्त लगा ऊपर पहुंचने? करीबन 15 मिनट लगे होंगे सर। 15 मिनट मतलब 12:15 बजे थे? हाँ सर, और सर उसके बाद हमने आधे घंटे तक सुरभि और रिचा का इंतजार भी किया था ऊपर, मतलब 12:45 तक। यस सर। और सर उसके बाद हमने दोनों को फोन भी ट्राई किया बट नेटवर्क नहीं था तो किसी का फोन भी नहीं लग रहा था। और इसलिए तुम सब लोग इस रास्ते से आ गए इन दोनों दोस्तों को ढूंढने के लिए? यस सर। हाँ सर, वापस आने में हमें 15 मिनट लगे, यानी कि 1 बजे आप लोग वापस इस टी स्टॉल पर पहुंचे जहाँ पे आप लोग को रिचा मिली जो खुद भी सुरभि को ढूंढ रही थी। यस मैम। रिचा मिली अकेली सुरभि को ढूंढ रही थी 12 बजे से 1 बजे तक, मतलब सुरभि 1 घंटे के लिए इन सब की आंखों से ओझल हुई थी, गायब थी। ग्रेट जॉब सालुंखे, ग्रेट। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। ओके सर। सालुंखे साहब ने क्या कहा? फ्रेडी, पत्तों पर और कपड़े पर जो खून के धब्बे मिले हैं वो सुरभि के खून के हैं। सर इसका मतलब सुरभि उस जंगल में गई थी? पर क्यों और कैसे और उसे मारा किसने? सर ये सब हम कैसे पता लगाएंगे? जग्गी, ये सब हमें जग्गी बताएगा। लेकिन सर इस जग्गी का कैसे पता लगा? दारू फ्रेडी, दारू की लत। ये दारू की लत है ना, आदमी को निकम्मा बना देती है। अपनी एक रात की दारू के लिए जग्गी ने
सुरभि के कान की बाली बेची है और उसके बाद और दारू और खाने के लिए उसे फिर से पैसों की जरूरत पड़ी होगी और फिर से वो दूसरी बाली बेचने के लिए गया होगा मगर किसी आम जोरी के पास नहीं। हाँ सर, वो चोरी का माल बेचने किसी ऐसी जगह पे गया होगा जहाँ पे चोरी का माल खरीदा जाता हो। एग्जैक्टली तो फ्रेडी, पता लगाओ इस जग्गी के एरिया के आसपास ऐसा कौन सा जोरी है जो चोरी का माल खरीदता है। चोरी का माल। सर, सर रीचा के बारे में एक बहुत जरूरी बात पता चली है सर। क्या? सर रीचा 2 महीने पहले अपने कॉलेज से 2 दिन के लिए एब्सेंट थी। अरे शायद वो बीमार होगी। सर एक बीमार लड़की पूना क्यों जाएगी? क्या मतलब? सर जिस दिन रीचा अपने कॉलेज से एब्सेंट थी उस दिन उसने पुणे में हैप्पी स्टे होटल में एक रूम बुक कराया था। पुणे गई थी वो? हाँ सर। पुणे क्यों? हैप्पी स्टे होटल। कुछ पूछताछ की? कुछ पता लगाया क्यों गई थी पुणे वो? सर पूछताछ की लेकिन पता नहीं चल पाया क्यों गई थी। तो ठीक है, अब हम पता लगा लेंगे। हैप्पी स्टे होटल पुणे। ये तो रिचा है। अभी कुछ ही महीनों पहले होटल में एक मिस ब्यूटीफुल कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था, उसमें सरी आई थी। कोई और भी था इसके साथ? हाँ सर, उनके साथ तो कई लोग थे। उनकी लिस्ट तो होगी ना आपके पास? जी सर, एक मिनट। सर कहीं इस रिचा का गायब होना इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट से तो नहीं जुड़ा हुआ है? ये देखिए सर। सुरभि इस कॉन्टेस्ट की विनर थी और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि कॉन्टेस्ट के दौरान पुलिस केस हुआ था। पुलिस केस? जो ऑफिसर ये केस हैंडल कर रहा है उससे मिले। अरे सुनो, इस चोर को देखा है क्या? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? सीआईडी? हाँ, और इस चोर को ढूंढ रहे समझे? देखा है इसे? सॉरी सर, हमने इसको यहाँ पे पहले कभी नहीं देखा। सर लगता है यहाँ पे नहीं है, कहीं आगे क्या होगा? बच गए। देखिए उसको। खत्म। थैंक यू, तुम लोगों ने मेरी मदद की है, मैं भी तुम्हें इनाम दूंगा। ये तो सोने के बिस्कुट है। बॉस भूख लग रही है। ए, ज्यादा सान पट्टी नहीं, कहा था ना मेरी साइज पे मत जाना। मेरी साइज छोटी है मगर पहुंच बहुत ऊंची है। दीदी, मेरा तो कहने का मतलब ये था। देखो ये जो है ये सारा माल तुम हमें बेच दो, हम तुम्हें बहुत मोटी रकम देंगे। मोटी रकम दूंगा? चल हट, ये माल इधर के लोगों के लिए नहीं है, बाहर के लोगों के लिए है, यानी आउट ऑफ इंडिया। हमारा माल बहुत महंगा बिकता है वहां। अरे भाई, अभी हमने तेरी मदद की ना, तो अभी तुम अपुन की मदद करो। ओ बोलो तो अपने पास भी सोना है, आउट ऑफ इंडिया के लोग को बेचने का है, हेल्प करना। अच्छा, बस बस इतनी छोटी सी बात? कहाँ है तुम्हारा माल, दिखाओ। अब बस अभी दिखा दो। दिखाओ।
एक मिनट मैं निकालता हूँ। निकालो निकालो। ये देखिए काफी है। स्वाति नाम की कंटेस्टेंट गाड़ी में जा रही थी और बल्लू नाम का ड्राइवर गाड़ी चला रहा था जब ये एक्सीडेंट हुआ था। अगर ये एक्सीडेंट था तो फिर ऋचा ने केस क्यों फाइल किया? क्योंकि एक्सीडेंट के वक्त ड्राइवर को जरा सी भी खरोच नहीं आई थी, इसलिए ऋचा जी को ये शक था कि शायद बल्लू ने ही स्वाति का खून किया है। और ये ड्राइवर बल्लू का क्या कहना था? वो तो यही कहता रहा कि वो बेकसूर है, मगर क्राइम सीन पर मिले सारे सबूत उसके खिलाफ थे, इसलिए उसे जेल हो गई। अच्छा, ये बल्लू किस जेल में? बल्लू मर चुका है सर, किसी ने जेल में ही उसका खून कर दिया। बल्लू मर चुका है। ठीक है, अब सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मुझे तो इस रिचा पे शक हो रहा है। ये रिचा सुरभि के साथ इस होटल में आई और किसी को पता तक नहीं। अरे, इन तीनों का चक्कर क्या है? माल धांसू है, मगर दूसरा आइटम कहाँ है, मतलब दूसरी बाली। जो बेचने आया था ना, उसके पास एक ही थी और उसको पैसों की सख्त जरूरत थी, तो मैंने माल रख लिया और पैसे दे दिए। और जिसने ये बाली बेची उसका नाम जग्गी है ना? जेडी, जेडी। कहा था ना कहा था ना, मेरे साइज पर मत जाना। मेरी हाइट छोटी है मगर काम बड़े बड़े करता हूँ। क्यों फ्रेडी सर? यस सर। अब जग्गी के बारे में जो कुछ भी जानते हो सब बता दो, वरना बुलवाना हमें आता है। फर्स्ट टाइम सर, वो बस एक घंटे पहले जग्गी आया था और वो पानी दे गया और बोल रहा था गला बहुत सूख रहा है और आज आराम से दारू पीऊंगा बस यही, और कुछ पता नहीं सर। फर्स्ट टाइम सर। फर्स्ट टाइम? उसने ये बाली कहाँ से चुराई और वो सारे पैसे लेकर कहाँ गया है हम नहीं जानते सर। लेकिन हम जानते हैं। लेकिन मैं एसीपी सर को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि जग्गी आसपास ही किसी बार में शराब पीने बैठा होगा, तब तक तुम इन तीनों को पुलिस के हवाले कर दो। तीनों? एक तो सीआईडी की हेल्प करो, ऊपर से जेल जाओ। अरे यार देखो, तू नहीं ये तीनों। क्या साहब, पूरा बार खाली है, आपको यही सीट मिली क्या? यही जगह मिली आपको? देखिए ना, ये सब खाली पड़े हैं, देखिए चेयर सब। ये क्या है? ये बाली, सुरभि की बाली। सुरभि? सुरभि जानते हो ना? कहाँ है सुरभि? वो कैनरी केव्स। कैनरी केव्स? क्या हुआ कैनरी केव्स में? बोल। दफना दिया उसको। क्या? कैनरी केव्स में दफना दिया। तुमने सुरभि को मार डाला? नहीं सर, मैंने नहीं मारा सर, वो क्लीनर केशव है ना, उसने उसे मारा।
केशव ने? सब मैंने नहीं मारा। केशव ने मारा सुरभि को और फिर तुमने मारा केशव को। हा? क्यों? वो सब उससे कुछ बहस हो गई थी साहब, उससे मैं आकर मैंने उसका गला दबा दिया साहब। किसके किसके कहने पे किया ये सब? किसके कहने पर? साहब अगर मैं उसका नाम लूंगा तो वो मुझे मार डालेगा। अच्छा, पर हम तुम्हें छोड़ देंगे। हुँ? किसके कहने पर किया तुमने? किसके कहने पर किया तुमने? रीचा के कहने पर किया? नहीं नहीं साहब, रीचा ने मुझे सुपारी नहीं दी साहब। तो फिर किसने दी सुपारी? किसने दी सुपारी? वो किया तुमने ये सब रीचा? तो वो स्वाती ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हमेशा हमसे आगे रहती थी, उसे हारा ना सके तो मार दिया उसे, है ना? जिंदगी में जीतने के लिए ऐसा खतरनाक शॉर्टकट लिया तुम लोगों ने? पहले इसने सुरभि के साथ मिलकर स्वाति को मरवा दिया, लेकिन जब सुरभि ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत गई तो ये उससे चलने लगी और इसने उसके बाद केशव को पैसे देकर सुरभि को मारने का प्लान बनाया। लेकिन तुम्हें इस प्लान के बारे में कैसे पता चला? जब ये केशव को पैसे देकर सुरभि को मारने का प्लान बना रही थी, मैंने दरवाजे के बाहर सुन लिया था
तो तुमने केशव के पीछे जग्गी को लगा दिया ये पता लगाने के लिए कि क्या केशव सुरभि को मारता है या नहीं। लेकिन केशव ने जग्गी को देख लिया था। फिर दोनों में हाथापाई हुई और जग्गी ने केशव का गला दबा दिया। केशव सुरभि को जंगल के रास्ते कैसे लेकर गया? बहाने से। जब उसने देखा कि मैं फोन पर बिजी हूँ तो चल ना रिचा, कब से हम यहाँ पर है, आधा घंटा हो गया, अब तो चल यहाँ से। अरे यार मैं जरूर आती बट मुझे बहुत इम्पोर्टेंट कॉल करना है। मैडम मैडम आप लोग ऊपर बुलाएं। लो अब तो केशव भी आ गया। इसलिए तो कह रही हूँ तू जा, देख वहाँ पे फोन का नेटवर्क नहीं लगेगा और मुझे मॉम को बहुत इम्पोर्टेंट कॉल करना है, प्लीज। So what, रास्ते में कर लेना, वो परेशान हो जाएगी। मैं 2 मिनट में कॉल करके बस आ गई। पक्का? हाँ प्लीज जल्दी से आ जाना। हाँ, ठीक है बाय। चलो केशव। मैडम यहाँ से जाएगा ना आधा घंटा लगेगा। हाँ। यहाँ से 5 मिनट पहुँचते हैं, जल्दी पहुँचते हैं। चलो तो जल्दी। इसीलिए जब सुरभि ने तुम्हें बुलाया तो तुमने बहाना बना दिया ताकि केशव सुरभि का काम तमाम कर सके। बहुत गलत काम किया तुम लोगों ने, बहुत गलत काम किया। सिंदार तुम तो दोस्त थे ना इनके, सोचा नहीं इन्हें रोकने का? भूल गए तुम लोग कि गलत काम का रास्ता पहुंचाता है फांसी के फंदे तक। तुम लोगों की वजह से 2 मासूम जाने चली गई। तुम लोगों को तो शायद फांसी ही होगी, फांसी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.